इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से आ रही है। बदायूं जिले में पुलिस में तैनात दरोगा ने दिया पत्नी को 3 तलाक और पत्नी भी आरपीएफ पुलिस बदायूं में तैनात। कई सालों से चल रहा था अफेयर, फिर कर ली शादी, पत्नी लगा रही न्याय की गुहार। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने बताई आप बीती। इस वक्त की बड़ी खबर भारत टीवी पर आप देख रहे हैं। यूपी के बरेली से खबर है जहां बदायूं जिले में पुलिस में तैनात एक दरोगा ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। आपको बता दें कि इनकी पत्नी भी आरपीएफ पुलिस बदायूं में ही तैनात है। कई सालों से इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था और उसके बाद इन्होंने शादी कर ली और अब पति ने, जो कि बदायूं जिले में पुलिस में तैनात हैं, दरोगा हैं, इन्होंने पत्नी को तलाक दे दिया है। पत्नी अब न्याय की गुहार लगा रही है। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता पत्नी ने अपनी आपबीती बताई। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से आप देख रहे हैं भारत टीवी पर। क्या नाम है आपका? रुबीना नाम है, रुबीना खान। क्या मामला था? अब क्या हो गया? आपके पति से क्या मामला है? पति से यही है, वो चाल चलन उसका गलत है। शुरू से ही हम रोकते रहे, छुड़ाते रहे अलग अलग महिलाओं से, कभी किसी से, कभी किसी से छुड़ा रहे हैं। अब उसने शादी कर ली है दूसरी और यही कह रहे हैं बहुत दिनों से कि हमें रखना ही नहीं है तुझे। मैंने कहा भी बच्चे हमारे बड़े बड़े, इन्हें बच्चों को देखो, इनकी तरफ बेटी बड़ी है। कह रहे नहीं मुझे नहीं रखना है। आज मुझे पता चला कि वो आया हुआ है तो मैं बच्चों को लेके आई थी कि शायद वो पसीस जाए, बच्चे देख के उसका उसको रहम आ जाए इन पे। मैंने बच्चे भी रोने लगे और मैं भी, लेकिन बोला कि नहीं मैं नहीं रखूंगा तुझे, मैं नहीं रखूंगा। अब मेरे पास कमी तो है, तलाक दिया है उसने 3 बार। कह रहा तलाक दूंगा मैं तुझे, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। तलाक तलाक बोल दिया उसने 3 बार। कह रहे जी उसे शादी वो अलीगढ़ की है, 2019 में की थी मुझे, लेकिन पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला है। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? कौन हस्बैंड? ये बीसलपुर। क्या क्या करते हैं? ये सब इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस में, आरिफ खान। हाँ अभी बिजनौर में, बिजनौर के चांदपुर थाने में। आपके पिताजी भी दरोगा थे? जी मेरे फादर दरोगा थे, कोतवाली से यही रिटायर हुए हैं 2017 में। आप क्या चाह रहे हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कार्रवाई हो। मुझे ऐसे बीच रास्ते में धोखा दिया है उसने, मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, मैंने कहाँ लेके जाऊँ? उसने तलाक की धमकी दी है या तलाक? नहीं तलाक दिया है उसने, वहाँ बीच चौराहे पे खड़े होके, चौके चौराहे पे मेरे बच्चे रो रहे थे, दोनों बच्चे चिपक चिपक के रो रहे थे कि पापा हमें छोड़ के मत जाइए। लेकिन वहीं खड़ा रहा चौकी पे, बोले मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता हूँ। ये अभी आज ही की बात है, 2:30 बजे की। मोहम्मद इदरीस का नाम है मेरा। मेरी बेटी की 2006 में शादी हुई थी, 25/12/2006 को शादी की थी। ये जब कांस्टेबल थे, तब इन्होंने रिश्ता भेजा था मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी ट्रेनिंग कर रही थी वहाँ कश्मीर में आरपीएफ की, तो फिर हमने इनका रिश्ता मंजूर कर लिया था, इन्हें शादी कर दी। जैसी मेरी ट्रेनिंग से आई, इसके बाद इनके एक बेटी हुई, बेटी के बाद फिर एक बेटा हुआ, करीब 12 साल का बेटा है। तब से इनका जो है चक्कर, लोगों का पता चला कि लड़कियों से, दूसरी लड़कियों से चक्कर है, लड़कियों के पीछे। मेरी बेटी जब नहीं होती, बच्चे नहीं होते, घर पे लाता है लड़कियों को, रखता है, ला के अय्याशी करता है। हमने समझाया बेटा ऐसा मत करो, अपना घर मत बिगाड़ो, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। ये बजाय सुधरने के और बिगड़ते चले। इसके अलावा एक शाजिया कॉन्स्टेबल थी, यहाँ पर ट्रेनिंग करने आई थी, उसे पटा लिया। उससे शादी करने के लिए उससे तमाम चैटिंग करता रहा, मैसेज वगैरह, उससे शादी, तो उसे जैसे कैसे उसके भाई को बुला के मैंने छुटवाया, उसको छोड़ा। उससे पहले सीमा खान थी कांस्टेबल, उससे इसका चक्कर बहुत चला 2 साल। आज ऐसा हुआ था कि हमने मुकदमा लिखा वहाँ महिला थाने में, उसका लिखा रखा है 494-498 का उत्पीड़न का, इसने मारपीट की थी अलीगढ़ में, वहाँ बीवी रख रखी दूसरी, वहाँ हमारी बेटी गई थी, वहाँ उसके साथ मारपीट की इसने, और दहेज की 30 लाख रुपए और फॉर्चुनर गाड़ी मांग रख तब रखूँगा, और वगैरह मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, दूसरी वाली बीवी को चाहे तुझे छोड़ दूंगा। आज ये हमारी बेटी यहाँ पर आई हुई थी अपने विवेचक से बात करने के लिए मुकदमे के बारे में, यहीं पर ये मिल गया। ये थाने के चौकी चौराहे के सामने इसकी गाड़ी खड़ी थी, पहचाना, वहाँ बातचीत हुई, बेटी के मेरी पहुँच गया था, तो इसने मेरी सामने, सबके सामने बेटी को बुरी बुरी भद्दी गाली दी, और उसके बाद इन्हें 3 तलाक दे के कह दिया कि मैं अब तुझे नहीं रखूँगा, आज से तू मेरी बीवी नहीं है। अब हम यहाँ मुकदमा लिखाने आए हुए हैं, तहरीर दे रखी है, अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। क्या लगता है कि आप पुलिस में हैं, बेटी भी पुलिस में, फिर भी? हाँ हमने इसीलिए की थी कि चलो पुलिस का आदमी होगा, समझदार होगा, लेकिन ये किसके ऊपर किसी बात का, ना तो इसे बच्चों से मोहब्बत है अपने,
ना बीवी से ना ऐसे समाज की लोक लज्जा है, शर्म है किसी भी। ये अपने चरित्रहीन अय्याश किस्म का व्यक्ति है और ये इसी में लगा रहा। मैंने बहुत एप्लीकेशन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी महिला आयोग सबको दी, लेकिन कोई किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये पुलिस में है इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये पुलिस की वजह से बच जाते हैं। और लोग कह देते हैं पुलिस वाले कि हम क्या करें, वो पुलिस में हैं, दरोगा है, हम कैसे उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं।